अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आपसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं शिमला मिर्च, उसके साथ हम चिकन ऐड कर रहे हैं और आलू ऐड कर रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट्स सिंपल से डेली यूज़ के आपके सामने हैं और बहुत टेस्टी यमी रेसिपी, आपको बहुत पसंद आएगी और आपके घर वाले भी जो इसको टेस्ट करेंगे बहुत लाइक करेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, मैंने तकरीबन हाफ़ के जी चिकन लिया है, चिकन का मीट लिया है, और हाफ़ के जी ही मेरे पास शिमला मिर्च है। तकरीबन 3 से 4 बड़े आलू थे जिनको मैंने आपके सामने देखिए छोटे स्लाइस में कट कर लिया है। टमाटर 2 से 3 तकरीबन दरमियाने साइज़ के, और मसाले में हमारे पास तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्च है, छोटा सा हाफ इंच का अदरक का टुकड़ा है, और 6 से 7 जवे लहसुन है, 2 अदद मीडियम प्याज है हमारे पास, और नमक हमारे पास तकरीबन 1.5 टीस्पून, काली मिर्च हमारे पास 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च है तकरीबन 1/2 टीस्पून, और ये है हमारे पास सूखा हुआ धनिया, ये भी तकरीबन 1/2 टीस्पून है। इंग्रेडिएंट्स में आप मिर्च वगैरह को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में ज़रा कम खाई जाती है, तो इसलिए मैंने अपने हिसाब से 1/2 टीस्पून रेड वाली रखी है, और ब्लैक वाली पेपर का इतना, क्योंकि फ्लेवर तेज़ नहीं होता, तो वो मैंने पीसी हुई 1 टीस्पून रख ली है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि ये यहाँ पे हमारे पास जो कुटी हुई लाल मिर्च है ये भी मैंने होममेड है, और पिसा हुआ जो धनिया है वो भी होममेड है, और इसके अलावा काली मिर्च भी होममेड है। तो इंशाल्लाह ये रेसिपीज़ भी मैं जल्द आपके लिए डाउनलोड करूँगी, बना के आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आती है आज की रेसिपी, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ, और इसके अलावा आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद रेसिपी साबित होती है। और अभी मैं मसाला आपके लिए रेडी कर लूं और फिर हम आपके पास वापस आते हैं। जी तो गाइस, इस तरीके से हमने हमारे पास जो हरी मिर्चें थी और लहसुन अदरक उसको पीस लिया, प्याज को कट कर लिया स्लाइस में, और टमाटर को भी क्यूब्स में काट लिया है, और ये मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, ये तकरीबन 1.5 से 1.5 चम्मच ले लीजिए, और 1 से 2 चुटकी मैं कलौंजी, जो कि ज़ीरा और कलौंजी तकरीबन मैं हर खानों में लाजमी यूज़ करती हूँ, तो ये है। और हम इसको तकरीबन अभी तेल गरम करेंगे और उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 1 कप तेल ले,
बनेगा सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई इसमें स्पेशल चीज़ नहीं है। सारे मसाले जितने भी हमने यूज़ किए हैं इसमें, हर एक चीज़ आपको घर से इजीली अवेलेबल होगी। और आप टेस्ट करके ट्राई कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या रिज़ल्ट आया आपका। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपको पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर किसी के लिए आप समझते कि हेल्पफुल है और यूज़फुल इसमें है तो आप प्लीज़ लाजमी सबसे शेयर कीजिएगा। और ट्राई करके बताइएगा कि कैसे आपसे बना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद कोई रेसिपी सिंपल सी इंग्रेडिएंट के साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।